फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉगयान। दिस इज एडवोकेट दृष्टि एंड यू आर वॉचिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज जो इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर बेस्ड है। तो इससे पहले हमने कवर किया था बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो आप देख सकते हैं प्रीलिम्स में आपके काम आने वाले हैं, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके मेंस में भी कवर होने वाले हैं। तो उससे पहले आप हमारा कर लेते चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप अपना बेहरा ले लीजिए जिससे आपके लिए बहुत रेलेवेंट होने वाला है एंड आपको और क्लियर होता रहेगा। तो आज हम करने वाले हैं डिस्कस कैरेक्टर के बारे में, सेक्शन 52 से लेकर 55, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से गिवन है। तो सेक्शन 52, अब पहले हमें चैप्टर का नाम समझना पड़ेगा। कैरेक्टर के बारे में दे रखा है कि कैरेक्टर जो है किसी भी पर्सन का कब रेलेवेंट हो जाता है। सिविल केसेस में अलग होता है और क्रिमिनल केसेस में अलग होता है। तो इसमें प्रोसीडिंग दे रखी है, वो हमें समझना पड़ेगा। तो देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। सेक्शन 52 में बात करते हैं सिविल केस के बारे में। अब सिविल केस के बारे में दो तरीके के सिचुएशन है, सेक्शन 52 एंड सेक्शन 55। तो सेक्शन 52 में सिविल केसेस के बारे में दे रखा है कि सिविल केसेस में कैरेक्टर जो है किसी भी पर्सन का जो कैरेक्टर होता है वो हमारा हो जाता है इररेलेवेंट हो जाता है। मतलब उसकी कोई मान्यता नहीं होती, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती, बस आपको इतना ही जानना है। इसके अलावा सेक्शन 55 में दे रखा है कैरेक्टर। अब कैरेक्टर कब रेलेवेंट हो जाएगा? अब कैरेक्टर रेलेवेंट तब हो जाएगा जब हमें डिटरमाइन करना है किसी का भी कंपनसेशन या फॉर दैट मैटर डैमेजेस, अगर लीगल लैंग्वेज में कहें तो डैमेजेस, उसकी क्षतिपूर्ति जो होती है वो हमें अगर डिटरमाइन करनी है तो यहाँ पर रेलेवेंट हो जाती है। मतलब कितना उसको क्षतिपूर्ति की जाए, कितनी उसको डैमेजेस अवार्ड की जाए कोर्ट की तरफ से, तो ये रेलेवेंट हो जाता है कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए। इसके अलावा जो उसे मिलना चाहिए, जो उस पर्सन को मिलना चाहिए डैमेजेस, तो वो हमारा डिटरमाइन कर सकते हैं हम कैरेक्टर से, राइट। तो सिविल केसेस में हमने दो सिचुएशन पढ़ी जिसमें एक था 52 एंड एक था 55। अब हम बात करते हैं क्रिमिनल केसेस के बारे में। अब क्रिमिनल केसेस में हमारे पास तीन सेक्शन है, सेक्शन 53, सेक्शन 53A एंड सेक्शन 54। तो यहाँ पर क्रिमिनल केसेस के बारे में दे रखा है। अब क्रिमिनल केसेस में दे रखा है प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलेवेंट, प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलेवेंट। अब क्रिमिनल केसेस में रेलेवेंट हो जाता है गुड कैरेक्टर, आपका जो भी अच्छा व्यवहार है वो रेलेवेंट हो जाता है। मतलब जैसे आप जेल में होते हैं तो आप कुछ काम कर रहे होते हैं, अच्छा काम किया तो आप मतलब आपको थोड़ा बोनस मिल जाएगा या आपको सब खुश हो जाएंगे तो आपकी सज़ा थोड़ी कम हो जाएगी। तो प्रीवियस जो भी आपका पुराना गुड कैरेक्टर है अगर आप वो साबित कर देते हैं तो कोर्ट सोचता है कि इनका जो ऑब्जेक्टिव था कि इन्हें सुधारना था तो वो कहीं ना कहीं फुलफिल हो रहा है, तो ये रेलेवेंट हो जाता है अंडर सेक्शन 53, राइट। उसके बाद 53A में क्या बोला है, प्रीवियस सेक्शुअल एक्सपीरियंस नॉट रेलेवेंट। अब इसमें क्या बात की गई है, इसमें बेसिकली बोला गया है कि जो प्रीवियस सेक्शुअल एक्सपीरियंस है किसी भी पर्सन का, अगर प्रीवियस सेक्शुअल एक्सपीरियंस है तो वो काउंट नहीं करेगा, वो मैटर नहीं करेगा। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट बात है कि उसमें कुछ भी रेलेवेंट ही नहीं होगा, तो उस पर क्वेश्चन भी नहीं उठेगा, राइट। अब 54 में क्या बोला गया है, 54 में बोला गया है प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलेवेंट। अगर हम बात करें गुड कैरेक्टर की क्रिमिनल केसेस में, तो गुड कैरेक्टर हमारा रेलेवेंट था तो बैड कैसा हो जाएगा, यहाँ पर है नॉट रेलेवेंट, ठीक है, उसका ऑपोजिट हो जाएगा। अब प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलेवेंट, उसका पहले का चरित्र कैसा था, जो बैड था वो रेलेवेंट नहीं रहेगा, उसने पहले क्या चोरी की, क्या किया, कौन सा अपराध किया, वो रेलेवेंट नहीं होगा। इसके अलावा इसमें कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं। एक्सेप्शन जो मेन क्लॉज में ही दे रखा है वो है एक्सेप्ट रिप्लाई, अगर वो अपने आप कुछ रिप्लाई कर देता है, अपने आप कुछ बोलता है कि हाँ माय लॉर्ड मैंने ये काम किया है तो रेलेवेंट हो जाएगा, अदरवाइज जनरल रूल यही है कि वो रेलेवेंट नहीं होगा। इसके बाद दो एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, इसमें बेसिकली बोला है एक्सेप्शन की तरह ट्रीट होता है, इसमें बेसिकली बोला है कि बैड कैरेक्टर अगर अपने आप, अगर इट्सेल्फ रिलेटेड टू द फैक्ट एंड इशू, अगर फैक्ट एंड इशू अपने आप है बैड कैरेक्टर तो कभी भी ये सेक्शन पर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा सेकेंड दे रखा है कि अगर प्रीवियस कन्विक्शन रेलेवेंट हो जाएगा,
जो भी उसका पुराना कन्विक्शन है, ये इसका बेसिकली लॉजिक ये है कि अगर हमें सज़ा देनी है, मान लो उसने पहले कितनी भी सज़ा मिली थी उसे, तो प्रीवियस कन्विक्शन हमारा रेलेवेंट हो जाएगा उसे डिटरमाइन करने के लिए कि हमें कितनी अमाउंट ऑफ क्वांटम ऑफ पनिशमेंट उसे अवॉर्ड करनी चाहिए, इसलिए बेसिकली ये रेलेवेंट होने वाला है। तो ये है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रीलिम्स से पूछा जाता है, मेंस से पूछा जाता है, एंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट वाइज समझने के लिए। इसके अलावा अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर है 7017254445। इसमें आप बिहार की सीरीज़ APO के लिए, बिहार मेंस के लिए, MPPCSJ के लिए बात कर सकते हैं सर से, और वो आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा आप हमें करते रहिए लाइक और सब्सक्राइब, एंड आप हमारी पुरानी वीडियोस भी देखते रहिए। इसके अलावा जो हम बात करते हैं, अगर हम बात करें कि अभी तक हमने क्या कवर किया है, तो हमने पहले इसी का रिवाइज कर लेते, क्योंकि दोस्तों रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिविजन इम्पॉर्टेंट है इसीलिए एक बार हम, ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है। तो इसमें बेसिकली हमने क्या पढ़ा, देखिए सबसे पहले हमने डिवाइड किया इस पूरे चैप्टर को दो पार्ट्स में, एक होता है सिविल साइड और एक होता है क्रिमिनल साइड। तो सिविल साइड हमने डिवाइड किया किसको, 52 और 55, एक सबसे ऊपर वाला एक सबसे नीचे वाला एक साथ कर लिया। तो 52 में क्या बोला है, सिविल केसेस में कैरेक्टर इररेलेवेंट हो जाएगा, सिविल केस में कभी भी रेलेवेंट नहीं होगा, कोई उसकी वैलिडिटी नहीं रहेगी, मान्यता नहीं रहेगी। इसके अलावा 55 में क्या दे रखा है, कैरेक्टर अभी तो हमने इररेलेवेंट बोल दिया, लेकिन डैमेजेस डिटरमाइन करने के लिए, जो कोर्ट में उसका डैमेजेस होता है वो डिटरमाइन करने के लिए, जो किसी भी पर्सन को मिलना ही चाहिए, जो अवार्ड होना चाहिए कोर्ट की तरफ से, वहाँ पर ये रेलेवेंट होने वाला है। राइट, क्लियर है? तो ये हमारा सिविल केस है। अब हम क्रिमिनल की तरफ बात करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक इतनी एक बारी में समझ नहीं आता, इसलिए एक बार आप दोबारा रिवाइज कर लीजिए, और अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसमें दे रखा है कि क्रिमिनल केस में, अब क्रिमिनल केस में भी तीन सिचुएशन है, 53, 53A एंड 54। अब 53A में क्या दे रखा है कि 53 में क्या दे रखा है, प्रीवियस गुड कैरेक्टर, जो उसका अच्छा चरित्र है वो हमारा रेलेवेंट हो जाएगा। राइट, वो हमारा अच्छा हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा, और उसका पुराना सेक्सुअल एक्सपीरियंस रेलेवेंट नहीं होगा। उसके अलावा सेक्सुअल एक्सपीरियंस की बात करें, उसके बाद 54 में क्या दे रखा है, जो प्रीवियस बैड कैरेक्टर है वो रेलेवेंट नहीं होगा। बैड कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे गुड कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे रेलेवेंट होगा तो यहाँ पे नॉट रेलेवेंट हो जाएगा, ऐसे आप याद कर लीजिए। इसके अलावा कब वो रेलेवेंट हो जाएगा, तो पहला बोलता है कि रिप्लाई, अगर आप खुद ही अपनी मर्जी से रिप्लाई करते हैं तो हमारा रेलेवेंट हो जाएगा। इसके अलावा अगर बैड कैरेक्टर अपने आप में ही एक फैक्ट इन इशू है, तो आप मुझे बताइएगा फैक्ट इन इशू हमने कहाँ पढ़ा था। इसके अलावा अगर प्रीवियस कन्विक्शन है तो रेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट को तो डिटरमाइन करनी है ना कि कितनी सज़ा उसे पहले मिली थी, उसी हिसाब से वो अवॉर्ड कर देगा। अब जो मेन क्लॉज हमारा रह गया है वो है हमारा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में बेसिकली दे रखा है कि सेक्शन 52, सेक्शन 53, सेक्शन 53, सेक्शन 54, सेक्शन 55, इन सब में जो कैरेक्टर के रिगार्डिंग जो किया जाएगा डिटरमाइन, वो जनरल बिहेवियर देखा जाएगा, जनरल रेपुटेशन देखा जाएगा, आपका जनरल डिस्पोजिशन देखा जाएगा, पर्टिकुलर से आपका कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम से पूछा जाता है और जो हम लोग मिस कर देते हैं। राइट, उसके अलावा अगर बात करें तो हमने ये सारा कवर कर लिया है। अब एक क्विक ग्लांस कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या कवर किया। तो मोटा मोटा हमने सेक्शन, आप मुझे बताइएगा कि एविडेंस एक्ट किस नेचर का एक्ट है, क्या ये एडजेक्टिव लॉ है, क्या ये प्रोसीजरल लॉ है, क्या ये, अब इसका नेचर बताइएगा, एंड MCQs के बारे में बात की थी लोगों ने, तो आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हैं, एंड कितने इसमें पार्ट्स हैं, कितने स्केड्यूल्स हैं, सेक्शन 2 किससे हटाया गया है वो आपको बताना है, एंड बताइएगा फैक्ट एंड इशू की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, एंड किसने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया, मेंटल और फिजिकल, एंड आप बताइएगा कि डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन कहाँ पे दे रखी है इंडियन एविडेंस एक्ट में। नेक्स्ट बताइएगा प्ली ऑफ एलिबाई का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बताइएगा। इसके अलावा आप कॉन्स्पिरेसी बताइएगा, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ऑफ एजेंसी, कॉन्स्पिरेसी कहाँ पे दे रखा है। तो ये सब आप ध्यान रखते रहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। डैमेजेस कहाँ पर हमने बताए थे, तो
वो सब इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये सब आप अच्छे से रिवाइज कीजिए तो आपको रेलेवेंट होने वाला है। इसके अलावा आप हमें बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा एंड बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक इस वीडियो में हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है ये टॉपिक, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा इसमें प्रोविजंस कम है, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें कवर की हैं। तो आगे बढ़ने से पहले पहले पुराना रिवाइज होना चाहिए, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हमें यूज़फुल रहेगा हमारे क्लैरिटी मेंटेन करने में, राइट। तो हमारे चैनल को जल्दी से कर लीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड हमारे को जुड़ी रहिए एंड शेयर करते रहिए हमारी वीडियोस, एंड प्लीज़ दोस्तों हमारे को मोटिवेट कीजिए ताकि हम और ऐसी वीडियोस ला सकें आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। आई एडवोकेट दृष्टि एंड दिस वीडियो, एंड मीट यू वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको रिवाइज करना है, कहाँ तक? हमारा सेक्शन 55 तक ये हमने कवर कर लिया है, वो आपको जल्दी से रिवाइज करना है। एंड कुछ भी प्रॉब्लम है